ओनर, आपको ओवी की ट्रीटमेंट करनी ही होगी। क्यों? क्योंकि ओवी मेरी बहन है, अर्चना देशमुख वो मेरी आई है, और मानव देशमुख मेरे बाबा। मैं जा रही हूँ, जल्दी मुंबई पहुंच जाऊंगी। आपको इस तरह छोड़कर जाना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन शायद यही सही है। आप हमेशा कहते हैं ना, गृहस्थी को कामयाब बनाने के लिए पति पत्नी में एक तरह की बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग जरूरी होती है। इतने महीनों तक एक दूसरे के साथ रहने के बाद भी हम दोनों में वो बॉन्डिंग और वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाई। अगर बनी होती तो आप मेरी ज़रूरत को अच्छी तरह समझते, मेरी इच्छा का आदर करते, आप मेरी बहन को ट्रीट करने से मना भी नहीं करते। खैर, अब इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपके फैसले बदला नहीं करते। आज एक अरसे बाद मैंने भी एक फैसला किया है, मैं अपनी आई के घर जा रही हूँ, अब वही मेरा ख्याल रखेगी। मुंबई जाने वाली ट्रेन 20 मिनट में छूटेगी, मुझे उससे पहले रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा। कि मिस्टी पागल हो गई है, एक तो प्रेग्नेंट है, ऊपर से अकेली ट्रेन में सफर करने निकली है। जाने वाली ट्रेन ये जो सामने, लेडी को देखा आपने? नहीं।
देखिए प्लीज ऐसा मत कीजिए क्योंकि उन्हें मैंने मैंने आज तक आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। आज आपसे पहली बार कुछ मांगा। उन्हें मेरा परिवार, मेरी बहन, मेरे लिए सब कुछ है। उन्हें मैं उन्हें तकलीफ में नहीं देख सकती। गृहस्थी को कामयाब बनाने के लिए पति पत्नी में एक तरह की बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग जरूरी होती है। इतने महीनों तक एक दूसरे के साथ रहने के बाद भी हम दोनों में वो बॉन्डिंग और वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाई। लड़के वालों के लिए गिफ्ट? हाँ गिफ्ट लड़के वालों के लिए भी मैंने ले लिए हैं अपने परिवार वालों के साथ साथ। और केटरिंग का क्या किया? केटरिंग के लिए मैंने विनोद को बोला था। शाम को जब वो ऑफिस से आएंगे ना तो मैं उनसे पूछ लूंगी और क्रॉस चेक भी कर लूंगी। और वो गौरी मौसी को इन्विटेशन दिया है ना? हाँ मैंने खुद इन्हें फोन किया था। यार उनका नाम गलती से भूल गई थी तो कितना तमाशा बनाया था उन्होंने। अब आई मैं चलती हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है। अरे तू कहाँ जा रही है? रुक एक मिनट। मुन्नी अरे बेटा अगले हफ्ते तेरा साखर पूड़ा है, तेरी आजी और मैं उसी की तैयारियों में लगे हुए। अरे लिस्ट बना रहे दोनों बैठकर, किसे क्या गिफ्ट देना है, क्या लेकर आना है, डेकोरेशन में क्या करना। तू बैठ था अरे कुछ तो सजेशन दे, और कुछ बचा है तो वो भी बता दे कि क्या तुझे स्पेशल चाहिए। मैं समझती आई, कुछ दिनों में मेरी बेटी का साखर पूड़ा हो जाएगा और फिर शादी हो जाएगी उसकी और ये मुझे छोड़कर चली जाएगी। मंजू बेटियां होती पराया धन है, जिसकी अमानत होती है वक्त आने पर उसी को सौंपना पड़ता है। अच्छा मुझे तुम दोनों से एक काम है, वो कौशल्या की गोद भराई के समय मुझे एक साड़ी गिफ्ट में मिली थी, जरा देखकर बताना कि वही साड़ी मैं सगाई में पहन सकती हूँ क्या। अच्छी है साड़ी, मैं अभी लेकर आती हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है। रुक क्या हुआ है तुझे, ऐसा मुंह क्यों लटका हुआ? प्रदीप तुझे पसंद नहीं है क्या पुन्नी? नहीं आई, वो अच्छा लड़का होगा बट वो नहीं है जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ। मतलब तो वो कौन है जिससे तू शादी करना चाहती है? आई वो कोई अमीर होगा जो मुझे दुनिया भर की चीजें लाके दे सके। ये प्रदीप की तरह नहीं, मिडिल क्लास, जिसकी वजह से मेरे सारे सारे अरमान सारी इच्छाएं बस दब के रह जाएंगी। आई पुन्नी क्या हो गया तुझे, फिर से तू वही सब बातें करने लगी? कितना समझाया था ना मैंने तुझे, तेरी ये बातें सुनकर ना मुझे डर लगने लगा है। देख बेटा प्रदीप एक बहुत ही अच्छा लड़का है, सरकारी नौकरी है उसकी, अपना घर है, गाड़ी है, और क्या चाहिए तुझे। और देख उसकी फैमिली भी हम लोगों की फैमिली की तरह एक मिडिल क्लास फैमिली है, तू वहां पर बहुत खुश रहेगी, समझ गई ना तू। और देख प्रशांत के समय जैसा हुआ था ना, मैं नहीं चाहती कि दोबारा फिर वही सब हो, समझ गई ना तू।
10 रुपए जुड़ी। और ये 10 का 2 जुड़ी। दूधी 30 रुपए पाव किलो आई। 30 रुपए पाव किलो, क्या बात करने का तरीका है क्या? अरे सोने से भी महंगी है भाजी, दुनिया में सबसे फीकी भाजी ये है। 20 रुपए में देता है क्या? नहीं आई, नहीं हो सकता है, 25 रुपए देगा ही। क्या 25 रुपए? अरे पैसा बचाना चाहिए बेटा, जीना है ना। लो 20 रुपए ना। हाय चलो। तेजू, तेजू यहां। जाकर पूछती हूं। जाने दो, घर जाके पूछती हूं। Excuse me, मेरा नाम पूर्णिमा करंजकर है, ओवीटी इंडस्ट्री से आई हूँ, आपके मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ मीटिंग है। 1 सेकेंड सर, ओवीटी इंडस्ट्री से कोई पूर्णिमा करंजकर कर आपसे मिलने आई है? ओके सर, आप अंदर जा सकती हैं, वो थोड़ी देर में आ रहे हैं। ओके थैंक यू। तुम बैठो, बैठो प्लीज प्लीज जाओ। इसमें इतनी चौंकने वाली क्या बात है पूर्णिमा? कंस्ट्रक्शन लाइन में हाल ही में मैंने वेंचर किया है, और ये ऑफिस जो तुम देख रही हो अभी कुछ दिन पहले ही खरीदी। बाय द वे, तुम यहां जॉब, मुफ्त का खाने की आदत छूट गई, खुद कमा के खाना चाहती हो। आई लाइक इट। Excuse me? मुझे तुम्हारी ये घटिया बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं, अपने काम से काम रखो तुम। ये डिजाइन की फाइल है रेफरेंस के लिए, देख लो और मैं चलती हूँ। तुम तो बुरा मान गई है। काम वाम तो होता रहेगा, आओ बैठ के पुरानी यादें ताजा करते हैं। ये तुम क्या कर रहे हो? मत बोलो कि तुम शादीशुदा। मैं शादीशुदा था, अब नहीं, मेरा डिवोर्स हो चुका। अरे वाह पुन्नी, इस बुढ़ाओ को पटा ले, इसी में ही समझदारी है। हाँ इसकी उम्र थोड़ी ज्यादा है, लेकिन ठीक है ना, उम्र के साथ साथ पैसा भी तो बहुत ज्यादा है। और अब तो ये शादीशुदा भी नहीं, ये आदमी तेरे सारे सपने पूरे कर सकता है। वो भिखारी प्रदीप से तो ये लाख गुना बेटर ऑप्शन है। अरे ये क्या, कोई नहीं। हाँ अभी ओवी आने वाली है, सब तैयारी हुई कि नहीं कुछ भी पता नहीं है। हाँ आई, बस सारी तैयारी हो ही गई, ऑलमोस्ट हो गई ना। आई अभी अभी अर्जुन से बात हुई। हाँ। वो लोग बहुत पहले निकल चुके हैं, तो अभी 5-10 मिनट में आ ही जाएंगे, रहा देखते। लो, आ गई मेरी ओवी। ए वही 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 रुको, वही रुको। कृपया ओवी आ गई। इतने जल्दी अंदर नहीं आने का, अभी तू प्रेग्नेंट है ना, तेरे पेट में बच्चे के रूप में भगवान वास करते हैं, तो उनका स्वागत करना जरूरी है ना। रुक, सुंदरी पूजा की थाली लेके आ बेटा। हेलो
मेरी मोटी। बाबा कैसे बेटा? अच्छी। और आप? कैसे आप? कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। तू कैसी? अच्छी। ओवी चल रहा, मैं तुझे तेरा कमरा दिखाती हूँ। हाँ भाई जल्दी जा, जब से तेरे आने की खबर मिली इसे लगी हुई है तेरा कमरा सजाने के लिए। जा जा जल्दी जा, देख अपना कमरा। चल चल जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ, ये देख। कितना प्यारा रूम सजाया है, तुझे कितना टाइम लगा ये सब के लिए? ज्यादा टाइम नहीं लगा, बस हो गया। एनीवेज तू आना यहाँ पे, बहुत बातें करती है। आराम से जस्ट सिट, यहाँ पे बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। जल्दी आना। यस डॉक्टर। जी डॉक्टर, आपने आपने सही सुना, मैं अपनी वाइफ का ट्रीटमेंट डॉक्टर ऑनर से नहीं करवा रहा हूँ। आई विल अप्रिशिएट अगर आप मेरी वाइफ का ट्रीटमेंट करें तो प्लीज। ठीक है, तो मैं ओवी को आपकी क्लिनिक लेकर पहुँचता हूँ। आप डॉक्टर शाह, मैं कुछ पूछना चाह रहा था। तुम्हें लगता है कि हमें शायद डॉक्टर रॉनर से एक बार और बात करनी चाहिए? अर्जुन प्लीज। देखो अर्जुन, मुझे डॉक्टर रॉनर से कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे प्रॉब्लम है तो पूर्वी से। और अगर मैं डॉक्टर रॉनर से ट्रीटमेंट करवाती हूँ तो तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि ना चाहते हुए भी मैं पूर्वी से मिलती रहूंगी, और ये मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊँ। तो इट्स बेटर कि हम इस बारे में बात ना करें। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाश्ता नाश्ता। प्राइवेट बातें चल रही हैं, बस बहुत हो गया, अभी नहीं चलने वाला है। बाय द वे, अभी हमारे यहाँ रहने आई है, तो अगर आपको इससे मिलना है या बात करनी है तो आपको मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी। ओके। और हाँ, मुझे कमीशन भी देना पड़ेगा। ओके। वेल, मैं चलता हूँ, मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा। कॉल मी इफ यू नीड एनीथिंग। ठीक है, वैसे भी मैं बहुत सारी बातें करनी है। बैठना बैठना। बड़ी आई तीर्थयात्रा पर जाने वाली, तीर्थयात्रा पर ये जाए और इनका पैसा हम भरे, इन्हें तो लगता है जैसे पैसे पेड़ पर उगते हैं। मुझे कह रही थी मंजू, पुन्नी की शादी तय हो जाने दे, मैं तीर्थयात्रा पर जाऊंगी। बढ़िया, मेरी